गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, हैव अ ब्यूटीफुल डे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम श्री है और मैं डिजिटल प्लस की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो सुबह के बजे हैं 5 और 5 बजे का कुछ इस तरह से व्यू है। सो अब मैं आई हूँ किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए और पानी गर्म करने के लिए। मैं नहा के पूजा करके उसके बाद में मैं अब आ गई हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए और मेरा फर्स्ट स्लॉट होता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का और सुबह के बजे हैं अभी 6:30। सो आज हम बात करेंगे कि हमें कभी कभी कुछ टॉपिक होते हैं जो हमें एक या दो बार रिवीजन करने की बात भी नहीं समझ में आती, तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमें याद नहीं हो रहा, ये जो टॉपिक है ये हमें याद नहीं हो रहा, ये हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम कैसे इसको समझे, कैसे हम इसको याद करें। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, जब कोई टॉपिक जो थोड़ा हार्ड लगता है या मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं ये इमेजिन करती हूँ कि मैं एक क्लास टीचर हूँ और मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, उन स्टूडेंट्स को मुझे ये जो टॉपिक है समझाना है, तो फिर मैं उसी तरह एज अ टीचर मैं उस टॉपिक को उसके बाद में लास्ट में तीसरी बार उसका रिवीजन करती हूँ और उसके बाद में मैं ये इमेजिन कर लेती हूँ कि स्टूडेंट्स बैठे हैं और मुझे अब ये लेक्चर जो है वो देना है और उन्हें समझाना भी है। सो उसके बाद में मैं अपने लैंग्वेज में उसे अपने दोहराती हूँ उसी चीज़ को। तो जब हम अपनी ही लैंग्वेज में उस चीज़ को जब दोहराते हैं तो वो आंसर हमें आराम से याद रह जाता है। जब हम खुद अगर हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसे हमें अपने आप को फील भी करना होगा कि हाँ हम वो बन चुके हैं। सो जैसे मैं कभी कभी ये फील करती हूँ कि ये जो टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा, तो अगर मैं क्लास में होती और ये बच्चे पूछते रहे होते तो फिर बच्चों को किस तरह से समझाती, तो फिर मैं उस वक्त अपने आप को टीचर मान लेती हूँ और मैं ये भी इमेजिन कर लेती हूँ कि बच्चे मेरे सामने हैं और अब जो है ये मुझे टॉपिक समझाना है। सो अगर किसी ने ऐसा ट्राई किया है तो उसे तो पता है कि हाँ ये जो है ना, ये जो चीज़ है ये वाकई में काम करती है। और अगर किसी को नहीं पता तो एक बार आप ट्राई कीजिए। अगर आप किसी भी मैथ का भी अगर आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हो लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप ये इमेजिन करिए कि सामने अगर ये बच्चा होता और इस वक्त मैं क्लास में होता तो मैं ये क्वेश्चन कैसे समझा रहा होता। तो फिर हमें एक बार ऐसे लगता है कि हम पढ़ते रहते हैं पर हमें याद नहीं रहता, लेकिन एक्चुअल में वो हमारे दिमाग में रहता है, लेकिन हम बार बार ये खुद से ये बोलते रहते हैं ना, नहीं यार याद नहीं हो रहा, तो फिर दिमाग भी कहता है ठीक है नहीं हो रहा तो मैं भी क्यों, मतलब इतना कष्ट क्यों करूँ कि इसे बार बार मैं याद दिलाऊँ। और जब हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि नहीं, इस वक्त अगर मैं क्लास में होती और ये तो मेरा पढ़ा हुआ तो है ही, और बच्चे अचानक से मुझसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेते तो मैं इसका जवाब कैसे देती, तो खुद टीचर बन के आप खुद को समझाओ। जब आप खुद ही एक स्टूडेंट बनते हो और खुद ही एक टीचर बनते हो ना, तो उस वक्त का समझाया हुआ आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। और मैं हमेशा, जैसे हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है ना, ये थोड़े से टफ लगते हैं मुझे, तो इन चीज़ों को मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। और जब मैंने इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी शुरू की थी आरपीएससी के, जब मैंने एग्जाम देने शुरू किए थे, तो उस वक्त मुझे लिटरेचर बहुत हार्ड लगता था, लेकिन उसके बाद में जब मैंने इस तरीके से मैंने पढ़ना शुरू किया ना, थोड़ा जब हम बोल बोल के भी पढ़ते हैं ना, तो वो हमें ज़्यादा याद रहता है। जितना हम चुप रह के सिर्फ चुपचाप पढ़ते रहते हैं ना, वो हमें कम याद रहता है, और जब हम बोल बोल के पढ़ते हैं ना तब वो हमें ज़्यादा याद रहता है। सो एक बार इस तरह से आप ट्राई कीजिए, आपको वाकई में अच्छा लगेगा और आपको याद भी रह जाएगा, जो भी आप टॉपिक ऐसे पढ़ोगे ना तो वो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। सो आज हिंदी का स्लॉट मैंने पहले ही कर लिया था दोपहर में ही लंच करने के बाद। शाम को हमें जाना था मंदिर, सो शाम को मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, सो आज मैंने पहले ही कर लिया। So
सो इस मंदिर से मेरे होम टाउन कुछ इस तरह से नजर आता है। ये मंदिर काफी ऊंचाई पर है। हाँ, और ये मंदिर एकदम हाईवे पर है। तो मुझे शाम को इवनिंग में, मतलब ऐसे लाइटिंग में कहीं भी जाना बहुत पसंद है। अगर मुझे सफर भी करना होता है तो मुझे रात का सफर बहुत पसंद है। मतलब दिन के सफर से ज्यादा मुझे रात का सफर पसंद है। सो अभी मैं डिनर करके मैं आ गई हूँ अपना इंग्लिश लास्ट स्लॉट जो है वो कंप्लीट करने के लिए। सो देखिए, एक और बात मैं आपको यह बताती हूँ, अगर आप ग्रुप स्टडी करते हो ना तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। वो इसलिए क्योंकि जब आप दो तीन बंदे होते हो ना, तब एक बंदा अलग टॉपिक पढ़ता है, दूसरा दूसरा टॉपिक पढ़ता है, तीसरा तीसरा टॉपिक पढ़ता है। फिर आप अगर तीन हो ना, आप या चार हो तो और भी ज्यादा अच्छा है। मतलब दो तीन भी हो, दो भी हो तो भी अच्छी बात है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ो ना, फिर एक दूसरे को समझाया करो। तो जब समझाओगे ना, तब वो आपको भी अच्छे से याद रह जाएगा और सामने वाले को भी याद रह जाएगा। और अगर आप ग्रुप स्टडी नहीं करते, कोई है नहीं आपके पास, जैसे कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले, मेरी कोई दोस्त या कोई भी नहीं है, सो मैं अकेली ही पढ़ती हूँ, तो फिर मैं इमेजिन करती हूँ। अगर आप अकेले पढ़ रहे हो तो आप इमेजिन करो, और अगर ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो फिर एक दूसरे को समझाओ। उससे क्या होता है ना कि हमें बहुत ज़्यादा जल्दी याद रह जाता है। सो ये तो आप जरूर से ट्राई कीजिएगा एक बार, ये इमेजिन करके समझाना। वो आपको वाकई में याद रह जाएगा, और वो आपको इस तरीके से याद रहेगा कि आप भूल ही नहीं पाओगे उसको। सो जो भी ट्राई करे ना, तो कमेंट करके मुझे बताना जरूर कि आपको याद रहा या नहीं रहा। सो यहाँ पे अब मेरा लास्ट स्लॉट है इंग्लिश ग्रामर का सॉल्ट पेपर। सो जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे अपने पास कम टाइम रह रहा है एग्जाम के लिए। सो कोशिश ये कीजिए कि हर दिन, हर एक दिन अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाइए, और कोशिश कीजिए कि दिन के कम से कम 6 घंटे तो आप पढ़े ही पढ़े। और जिनके पास और ज़्यादा टाइम रहता है तो वो तो और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, पर कम से कम आप 6 घंटे तो पढ़े ही पढ़े डेली। आप 3 सब्जेक्ट तो लेके ही चले साथ में। सो जब आप डेली 3 सब्जेक्ट भी लेके चलोगे ना, आप तो आपका काफी हद तक सिलेबस जो है ना वो कंप्लीट होता जाएगा। सो इन 2 महीनों में तो, और बस कोशिश ये कीजिए कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना और क्या पढ़ना है, और टाइम पास कम से कम करिए। मतलब आप अब तो, मैं तो कहती हूँ एकदम ही मत करिए। अगर आप 1 घंटे की या 2 घंटे की पढ़ाई के बीच में आप रेस्ट भी करते हैं ना, तो उस रेस्ट में भी फोन को छोड़कर और आप अपनी पढ़ाई के बारे में ही सोचिए, और या फिर अपने आप को एकदम रिलैक्स कीजिए। और ये जो सोशल मीडिया है, इनसे मैं बार बार कह रही हूँ, इनसे 2-3 महीने आप दूर रहिए। सो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव।